please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुना आपने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉ प्रणब मुखर्जी का उद्बोधन आरएसएस मुख्यालय में जिस पर पूरे मुल्क की पूरी दुनिया की निगाहें लगी थी उस मंच पर प्रणब मुखर्जी ने साफ साफ कहा इस पूरी बातचीत के दौरान कि वो हिंदुस्तान उस हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं जो वसुदेव कुटुम्बकम की बातें करता है जो सर्वे भवंतु सुखिना की बातें करता है वो डायलॉग को जरूरी बताते हैं कि एक आम लोकतंत्र में बातचीत डायलॉग ज़रूरी है विभिन्न विचारधाराओं के बीच मतांतरों के बावजूद भी बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए और इसी संकल्प के साथ इसी बात के साथ मैं अपनी इस चर्चा की शुरुआत करूंगा ये तस्वीरें सीधे नागपुर से आपके सामने है मेहमानों का परिचय करा देता हूं आरएसएस की जानकार प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता मेरे साथ हैं चरणजीत सापरा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी भी मेरे साथ इस वक्त इस डिबेट में जुड़े हुए वक्त कम है मेहमान ज़्यादा हैं बगैर वक्त गवाएं मेरा सीधा सवाल डायलॉग ज़रूरी है बातचीत ज़रूरी है सापरा साहब और कांग्रेस इस बातचीत का विरोध कर रही है प्रणब दा जब पहुंचते हैं आरएसएस मुख्यालय तो कांग्रेस के औपचारिक ट्विटर हैंडल से आरएसएस के बारे में वो बातें लिखी जाती है जो कांग्रेस बीते सौ साल से बोलती आ रही है कुछ भी नई चीज़ नहीं थी लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रणब दा के बारे में आप क्या कहेंगे जो उन्होंने स्पीच दिया कुछ समझ में आया कि डायलॉग जरूरी है बातचीत जरूरी है देखिए जहां पर आप कह रहे हैं कि प्रणब दा ने डायलॉग की बात की है वहां पर दूसरी बात भी ध्यान रखिए कि प्रणब दा ने नेशनलिज्म की बात की है राष्ट्रीयता की बात की है प्रोलैरिटी की यानी अनेकता में एकता की बात की है सर्वधर्म समभाव की बात की है उन्होंने गांधी जी की और नेहरूवियन पॉलिसी जो है उसकी भी तारीफ की है जिस नेहरूवियन पॉलिसी को भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस उसको बदलना चाहती है करना चाहती है उस नेहरूवियन पॉलिसी को प्रणब मुखर्जी साहब ने समर्थन किया है प्रणब मुखर्जी ने ठीक कहा। वही बातें बात प्रणब मुखर्जी के भाषण का स्वागत करेंगे विरोध करेंगे। उन्होंने प्रणब मुखर्जी के भाषण का स्वागत करेंगे करेंगे विरोध साबरा साहब प्रणब मुखर्जी साहब ने कोई कहीं भी कुछ गलत नहीं कहा है उन्होंने राष्ट्रीयता की जो आपको सीख दी है अनेकता में जो आपके बड़े बड़े आला नेता अभी कुछ देर पहले आनंद शर्मा जी ने ट्वीट किया दोपहर में अहमद पटेल साहब ने ट्वीट किया चिदम्बरम साहब लगातार बोल रहे हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए था उस पर आप क्या कहेंगे कि प्रणब दा को आप अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं जब प्रणब दा नागपुर जा चुके हैं कि प्रणब दा के साथ संबंध विच्छेद कर लिए कांग्रेस पार्टी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके समझ रहे हैं मैं समझ मैं रहा हूं तक समझता आप लोग समझाने पर मजबूर कर रहे ने प्रणव प्रणब दा ने प्रणव दा ने बहुत उचित बातें की है देश के हित की बातें की है वही बातें की है जो एक देश का नागरिक कहता है और जो इसका मतलब कांग्रेस का विरोध कांग्रेस ने के नेताओं का विरोध चाहती थी आर एस आप आप लोग कह रहे थे देखिए देखिए सापरा साहब लेकिन प्रणव दा ने सापरा साहब ट्विटर हैंडल देख लीजिए कांग्रेस का क्या हुआ देख लीजिए मोहन भागवत जी के भाषण में और प्रणव दा के भाषण में दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है दोनों ने र, नेशन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम की बात कही और मोहन भागवत जी और जो संघ के ओटीसी में जो जो बैनर पर लिखा हुआ है उसका भाव भी है वसुधैव ने और सहवास तीन बातों को यदि छोड़ देते हैं तो लोकतंत्र का अवमूल्यन होता है और प्रमोद और प्रण ने संदेश दिया मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के मंच पर साप्रसार में कोई नहीं बोल रहा साप्रसार मैंने कोई कांग्रेस का आरोप नहीं

परम वैभव राष्ट्र बनाने की बात करते हैं हम हम मातृभूमि को देवता राष्ट्रवाद दे की जो वामपंथी भारत की राष्ट्रता को अठारह सौ सत्तावन उन्नीस सौ सैतालीस से जोड़ते थे भारत एक प्राचीन राष्ट्र है इसकी राष्ट्रता का स्रोत हजारों साल पुराना है यह

दोनों एक मंच पर मौजूद थे और दोनों ने आरती किसी की की तो वो प्रत्येक हिंदुस्तानी की की और भारतवर्ष को आगे भारत और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा डायलॉग देखिए आप अगर मोहन भागवत जी की तो हमसे हम नहीं मिलता है, फिर भी मत हो सकता है मगर भारत एक है और भारत से हम किस प्रकार आगे बढ़े ये हमें चिंतन करना है और दूसरी बात कांग्रेस को लेकर इतना कहना चाहूंगा भाषण से एक बात में समझ में आया कि कांग्रेस की हैप्पीनेस इंडेक्स लगातार कम होते जा रही है उस है आप आप लोग लोग का ज़रूर आज इसको मैं विवेक विवेक जी दिवेक जी आप जिस के विरोध कर कर रहे थे उस की वकालत दी प्रणब क्या कहना चाहेंगे नहीं देखिए हमारे मुल्क में होना चाहिए के कोई खिलाफ नहीं है लेकिन डायलॉग की इंटेंशन जेन्य होनी चाहिए और प्रणब सबके इंक्लूजन की बात करी और उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने वाला देश को तोड़ने वाला कहते हैं हाँ। उस मंच पर खड़े होकर प्रणब दा कह रहे थे

जी। आके, आके, राकेश, राकेश, राकेश जी राकेश जी विवेक जी विवेक जी विवेक जी जी आर एस पर तीन बार बैन लगा हाँ लगा लगा जिस देश का इतिहास कहता है हाँ।

क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके हिसाब से इनकी सरकार है तो बंद कर राम राम तो राम राम है। है। ये जी। सवाल ही बेबुनियाद है राम कृपाल जी सुमित जी बहुत तकलीफ हो रही है कि मोहन भागवत जी और प्रणव दा की स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पे हम इतना उबाल खाएं बहुत ध्यान से मैं मैंने भी बहुत सुना है पूरा जी, आज दोनों की स्पीच को पूरी तरह से अभी जाकर के लोग ले लें और बता दें कि कहाँ क्या मतभेद है दोनों ने एक ही बात कही कि जो इस धरती पर पैदा हुआ कोई भी इंसान वो भारतीय है दोनों की बात में एक समानता थी और दा ने जो सबसे अच्छी बात कही है जो सबको सुननी चाहिए जो इतने दिनों से बहत्तर घंटे से लगातार गला फाड़ के चिल्लासरा दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पाँच हजार साल से हमारी सांस्कृतिक एकता है हजारों हमले हुए लेकिन हम पर आए राज भी किया फिर भी हमें तोड़ नहीं सके बहुत गहरे अर्थ हैं इस बात के बिल्कुल एक सौ बाईस आप सुन लीजिए कृपया अगर हाँ। मैं गलत कह रहा हूं तो फिर उनकी हाँ, सुन लीजिएगा हाँ। आज तो की, चुने आज, चुने। आज की की उस तमाम छूट भैया पीढ़ी के लिए भी एक से एक, एक संदेश है।, है कि कृपया करके और यही कहा है कि जहां इतने 122 भाषाएं बोली जा रही हों 1600 डायलेक्ट डायलैक्ट हो उस देश में इतनी विविधता है विचारों की विविधता होगी इसलिए इसलिए समावेशी हो करके बातचीत डायलॉग इज नॉट ए चॉइस इट्स अ कंपल्सन ये ये आपको करना ही पड़ेगा अपने विरोधियों का सम्मान उनके विचारों से आप डायलॉग कीजिए और मिलजुल -मिल करके चलना चाहिए आपकी इजाजत से मैं आप एक चीज कहना चाहूंगा मुझे ब्रेक की तरफ भी आगे बढ़ना है लेकिन ये बात आज की कांग्रेस को समझनी होगी कि डायलॉग इज नेसेसरी जब बापू के समय डायलॉग हो सकता है जब सरदार पटेल के समय हो सकता है जब इंदिरा गांधी आर कार्यक्रम में जा सकती है राजीव गांधी बातचीत कर सकते हैं तो आज के कांग्रेस के आला नेता क्यों इस डायलॉग से बचना चाहते हैं आज जब प्रणबता मंच पर खड़े हैं आर एस मुख्यालय में है हिडगेवार को वो भारत का सपूत बता रहे हैं कांग्रेस ने एक आर्टिकल अपने हैंडल पर डाला है उस आर्टिकल की एक लाइन बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ इस बातचीत में इस आर्टिकल में गांधी जी के नमक सत्याग्रह का जिक्र 1930 की घटना का किया गया है और कहा गया है कि हेडगेवार साहब ने यह साफ कर दिया था कि इस नमक सत्याग्रह से संघ का कोई मतलब नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है ये कांग्रेस ने आज के दिन कहा जब वो विविधता में एकता की बातें कर रहे हैं

हवा निकाल दी है RSS के नतीजे हैं सवाल लगातारे चल रहा है नाइनटी सिक्स परसेंट लोग हमें जवाब दे रहे हैं छियानवे फीसदी हजारों जवाब लगातार आ रहे हैं ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर ट्विटर पोल में चौरासी फीसदी लोग में जवाब दे रहे हैं कि विपक्ष के विरोध की हवा निकाल दी है 96 लोग पात्रा और चरणजीत सापरा आप दोनों को आमने सामने रखते हुए सवाल करता हूं जी क्या आज की तारीख में मिल गई है संघ को कि हम जो है वो देश के संग, ऐसे संगठन है जिसमें कांग्रेस के नेता आने को भी तैयार है देखिए ये कोई सर्टिफिकेशन समारोह नहीं था ये अगर किसी चीज का समारोह था और किसी चीज का अगर पैमाना इसमें नापा जा सकता है तो संघ की सहिष्णुता की पैमाने को नाप सकते हैं और कितना असहिष्णु कांग्रेस पार्टी है वो बता सकते हैं मुझे आज एक बात की तकलीफ है और ये आज दुनिया ऑब्जर्व कर रही है लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं पांच दिन से डिबेट चल रहा है इस विषय पे कांग्रेस ने जिस इमेच्योरिटी और जिस अपरिपक्वता के साथ बिहेव किया है विगत दस पंद्रह दिनों से जब से ये इनविटेशन हुआ है कांग्रेस को तार तार करके रख देती है देखिए आप एक पूर्व राष्ट्रपति आप एक पूर्व राष्ट्रपति के विवेक छोड़ दीजिए वो कांग्रेसी थे या नहीं थे आप उनके विवेक के ऊपर इस प्रकार प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे आप चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति आपका राष्ट्रपति होता जिसको सोनिया जी कहती उठ जाओ तो उठ जाते बैठ जाओ तो बैठ जाते तो 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 उन्होंने अपने विवेक से एक संगठन को चुना आ, संगठन को चुना वो संगठन में गए संगठन में जाकर नेशनलिज्म पे भाषण दिया सोनिया जी अहमद पटेल कांग्रेस को ऐसे नेता पसंद है जो हाँ मिलाए दिन को रात और रात को दिन कहते क्योंकि आलाकमान आला कमान ने कहा है

करते हुए डॉक्टर हरिवार जी को अब हम कहते हैं भारत माता के सपूत उन्नीस सौ तीस में डॉक्टर जेल गए एक साल एक साल की सजा मिली जेल में एक साल की डॉक्टर दो सौ थे डॉक्यूमेंट है राहुल गांधी कांग्रेस का एक झूठ का हो गया उसके लिए माफी है पूरे देश की जनता से माफी मांगिए नहीं देश, देश की जनता से साहब तय कर है कि हम किसके साथ खड़े हैं प्रणब प्रणबदा के साथ खड़े हैं प्रणब क्या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं प्रणबदाष्ट्र विरोधी है क्या प्रणब प्रणबदा राजतंत्र आती है क्या प्रणब प्रणबदा देश को तोड़ने वाले संगठन की हिमायत भी होने के नाते आज खुद ये प्रणब देश को तोड़ने वाले व्यक्ति बोल रहे विवेक जी साबना साहब तो नहीं बोलेंगे क्या अभी विचार जी, जी ने एक प्रश्न किया था जी ने एक प्रश्न किया था कि भाई गी एक प्रधानमंत्री आज के भाषण में जो बातें कही मोहन भागवत ने प्रणबता ने उस पर बात करिए आप मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ आपके आपके अधिकारी हैंडल से जो चीजें ट्वीट हुई है उस पर बात करिए आनंद शर्मा ने जो कहा अहमद पटेल ने जो कहा मुखर्जी ने जो कहा उस पर बात करिए रटे रटाई टेप की तरह बात करिए तरंजी साबरा जो आप पिछले तीस सालों से करते आ रहे हैं इस रटी रटाई बातों के बावजूद प्रवक्ता मंच पर गए

और सबसे खास बात आज के समारोह की यह थी कि सेक्युलरिज्म को एक्नोलेज मोहन भागवत और उसका सर्टिफिकेशन प्रणब दान दोनों ने दिया दूसरी बात एक मिनट संबित जी ने एक पॉइंट उठाया था कि ये क्या, अगर कि कांग्रेस की क्या समस्या है या किसी की भी क्या समस्या है आप मेरी बोल आपका है। 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 हम समझ भी हैं है। ये सही स्मुता सही नहीं सही नहीं है सर आपको कैंडल ला कैंडल ला भाई आपको अगर दो लोग अलग विचारधारा के हैं क्यों अलग विचारधारा के मिले उसका टाइमिंग क्या है क्यों हो रहे हैं क्लास वाइज दिस टाइमिंग ये क्लास क्यों आपने साथ बुला लेते ना 2019

नागपुर का यह कार्यक्रम मैं समझता हूं हिंदुस्तान में नहीं आगे दुनिया, आगे में। दुनिया में जितना ज्यादा देखा जा रहा है। इसके, है इसके लिए संघ को कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए और इस इसी के लिए जो मिलेगी इतना हवा निकल गयी बिल्कुल जो कुछ बिल्कुल निकल गई आज का दिन मैं बता रहा हूँ आपको जी ने है, बिल्कुल तमाम मेहमानों कांग्रेस शुक्रिया। शुक्रिया। बीते दो हफ्ते से या बीते पंद्रह दिन से इस मामले पर बात नहीं कर रही थी आज भी अगर चुप रह जाती तो शायद ज्यादा भला होता उसने मुंह खोलकर और अपनी मुसीबतें खड़ी कर ली क्योंकि जिस तरह की चीजें ट्वीट की गई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं मेहमानों का शुक्रिया सीधे हैं किशोर के पास अगले प्रोग्राम